स्वागत है, देखते हैं आज की खास खबर। आज सुबह से चल रही पाकिस्तान की एक्टिविटी को लेकर भारत ने भी युद्ध नीति बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है। पाकिस्तान के 3 हवाई जहाज भारत की सीमा में बॉम्ब डालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भारतीय सैन्य ने कड़ा विरोध करते हुए उन हवाई जहाजों को भारतीय सीमा के अंदर घुसने नहीं दिया। पाकिस्तान की इन कार्रवाइयों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके निवास पर हुई मीटिंग में भारतीय सेना को और सक्षम बनाने हेतु संरक्षण मंत्रालय को 2700 करोड़ रुपए का संरक्षण साहित्य खरीदने को सरकार ने तुरंत मंजूरी दी है, ऐसा केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली इन्होंने कहा। इन शस्त्रों में पनडुब्बी खरीदने का भी उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने अगर कुछ कदम उठाया तो उसे कड़ा जवाब देने के लिए भारत तैयार है। वित्त मंत्री जेटली ने कहा, अगर लादेन मारा जा सकता है तो मसूद अजहर भी मारा जा सकता है, जैसा अमेरिका कर सकता है तो भारत भी ऐसा कर सकता है, मतलब अब भारत कोई भी परिस्थिति को कड़ा जवाब देने को तैयार है। अभी अभी मिली ताजा जानकारी में पाकिस्तान ने कहा, हमें अमन चाहिए। पाक के लश्कर प्रमुख मेजर जनरल आसिफ गफूर इन्होंने एक पत्र परिषद में कहा, आज सुबह पाक की ओर से किया गया एयर स्ट्राइक युद्ध के हेतु से नहीं किया गया था, हमने सिर्फ हमारी ताकत दिखाने के लिए यह स्ट्राइक किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने सभी नियमों का पालन किया है और हमें अमन चाहिए। लजीना नमता अलैहिम गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन आमीन। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू ISPR वंस अगेन। आज सुबह से लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ एक्टिविटी चल रही है, तो मैंने समझा कि उसके ऊपर आपसे बातचीत की जाए। आज सुबह पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल के पार इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में 6 टारगेट्स एंगेज किए। जैसा कि बात चल रही थी पिछले चंद दिनों से कि क्योंकि इंडिया ने हमारे ऊपर अग्रेशन किया, लाइन ऑफ कंट्रोल वायलेट की, और फिर जिस तरीके से उसके बाद क्लेम किया गया कि एक अलेज्ड टेररिस्ट जो हाइड आउट है उसको डिस्ट्रॉय किया और 350 दहशतगर्द उसमें मारे गए, उसके ऊपर मैंने कल आपसे बात की थी। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन जवाब कैसे दिया जाता, क्या उसी तरीके से जिस तरीके से भारत ने दिया, या वो तरीका जो कि एक जिम्मेदार मुल्क का होता है। जब रब की ज़ात आपको कैपेबिलिटी और कैपेसिटी देती है तो उसमें शुक्र का एलिमेंट आता है, वो इस्तेमाल करने से ज़्यादा आपके सेल्फ डिफेंस के लिए होती है। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के पास कैपेबिलिटी भी, कैपेसिटी भी, विल भी, रिजॉल्व भी, अवाम का साथ भी, हर किस्म की चीज़ मौजूद है। लेकिन चूंकि हम जिम्मेदार रियासत हैं, हम अमन चाहते हैं, तो आज सुबह जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने वो टारगेट लेने थे तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया कि हम कोई मिलिट्री टारगेट नहीं लेंगे। दूसरा हमने डिसाइड किया कि हमारे टारगेट के एंगेज के रिज़ल्ट में किसी इंसानी ज़िंदगी का नुकसान ना हो, ना सिर्फ इंसानी ज़िंदगी का बल्कि कोई कोलेटरल डैमेज भी ना हो। तो जब हमारे एयरफोर्स अपनी हदूद के अंदर रहते हुए जो टारगेट्स हमने सेलेक्ट किए हुए थे, 6 टारगेट हमने सेलेक्ट किए, उन टारगेट्स पे हमारे पायलट्स ने लॉक किया, और फिर उसको लॉक करने के बाद थोड़ा फासले पे हमने खुली जगह पे वो स्ट्राइक्स की। मकसद ये था कि हमारे पास कैपेबिलिटी, विल, रिजॉल्व है, लेकिन हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो हमें गैर जिम्मेदार साबित करे। तो स्ट्राइक्स हमने ली भिम्बर गली, केजी टॉप और उनके नारियान के इलाके में जो उनके सप्लाई डिपो थे, उन तमाम टारगेट्स को हमने एक्यूरेसी से लॉक किया, और जब हमारे पास ऑप्शन थी कि हम उन पर फायर कर सकें, हमने जिम्मेदारी का सबूत दिया, उनसे सेफ्टी डिस्टेंस रख के, और फिर हमने वो टारगेट एंगेज किया। मकसद बताने का ये था कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम ये रीजन के पीस की कॉस्ट पे नहीं करना चाहते। ये रिटेलिएशन इन ट्रू सेंस नहीं थी, लेकिन
ये बताना कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है, हम कर सकते हैं, लेकिन हम जिम्मेदार रहना चाहते हैं, हम एस्केलेशन नहीं करना चाहते, हम जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अमन का पैगाम दिया, अवाम ने भी अमन का पैगाम दिया, और हम किसी भी सूरत इस खित्ते को जंग की तरफ लेकर नहीं जाना चाहते। इसकी जो वीडियो है वो थोड़ी देर में हम आपके साथ शेयर करेंगे। जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये टारगेट ले लिए तो उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के दो जहाज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज जो थे वो शूट डाउन हुए। उनमें से एक का रैकेज हमारी साइड पे गिरा, जबकि दूसरे का रैकेज उनकी साइड पे गिरा। इसके अलावा भी इंडिया के एक जहाज के गिरने की इत्तला है जो थोड़ा अंदर है, लेकिन वो हमारी उसके साथ एंगेजमेंट नहीं हुई। दो पायलट्स ज़मीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी उन्होंने उनको अपनी रेस्ट में लिया, और जैसे उनके साथ एक महजब मुल्क सलूक करता है उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया। एक उनमें से ज़ख्मी थे, उनको हमने CMH मुंतकिल कर दिया है, इंशाल्लाह उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, जबकि दूसरे जो हैं वो हमारे पास है। मैं आपको कुछ जो उनसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। थैंक यू। इसके अलावा मैं इंडियन मीडिया पे देख रहा था कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एक F-16 उन्होंने भी गिराया। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने इस तमाम जो एक्शन था उसमें F-16 इस्तेमाल नहीं किया, और ऐसी कोई खबर नहीं है कि पाकिस्तान का कोई जहाज़ गिरा हो। अब बात करते हैं कि यहाँ से आगे क्या रास्ता है। द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वी हैव ऑलवेज कन्वेड अ मैसेज ऑफ पीस टू इंडिया एंड द रूट टू पीस गोज थ्रू डायलॉग। Both countries have the capability and capacity, but war is actually the failure of policy which India needs to understand. Jung, जैसे कि Prime Minister साहब ने कहा कि शुरू करना आसान है, ख़त्म कहाँ होती है ये किसी को नहीं पता। तो हमारी तरफ से आज भी यही है, having displayed our capability, will and resolve, we still do not want to escalate. We want to follow a path which leads to peace. The people of both the countries and the region at large, they have a right to live and live in peace. अगर आप कहते हैं कि हमें अपने लोगों को तालीम, सेहत, रोज़गार ये देने की ज़रूरत है, तो आइए मिलकर बैठें, बातचीत करें। जंग मसलों का हल नहीं होती, दुनिया में कोई मसला जंग से हल नहीं हुआ। तो हमारी इस ऑफ़र को, हुकूमत पाकिस्तान की ऑफ़र को, इंडिया को चाहिए कि इस पे ठंडे दिल से गौर करें कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी एक जिम्मेदारी है। जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, पाकिस्तान जंग की तरफ नहीं जाना चाहता, पाकिस्तान की तरफ से अमन का पैगाम है। दे शुड ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड सी हाउ द इन्वायरमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान are a threat to peace and development not only between the two countries but in the region and beyond. Media, मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जिस तरह हमने different response दिया और जिम्मेदारी के साथ दिया, media की भी, पाकिस्तानी media ने peace journalism किया है। हमने आज जो action किया वो self-defense में किया। हम इस पर किसी किस्म की victory इंडिकेट नहीं करना चाहते। जंग में किसी की जीत नहीं होती, किसी की हार नहीं होती, इंसानियत हारती। तो मेरी पाकिस्तानी मीडिया से दरख्वास्त है कि ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग को जारी रखें, अमन की तरफ ले जाने वाले रास्ते के ऊपर रिपोर्टिंग करें। अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो तब उस वक्त की रिपोर्टिंग डिफरेंट है। आज की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबल है, आज की रिपोर्टिंग जो है वो जिम्मेदारी के साथ है और अमन की तरफ जाने की बात है। पाकिस्तान रियासत के तौर पर,
और पाकिस्तान की अफवाज एक कैपेबल फोर्स के तौर पर सब अहलियत रखने के बावजूद आवर मैसेज इज फॉर पीस। थैंक यू वेरी मच। यकीनी तौर पर आज पूरा दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत फख्र का दिन है कि हम यह फैसला कर सकते हैं। ये कार्रवाई थी, इसके बाद आप क्या मंजरनामा देखते हैं? आप समझ रहे हैं कि मजीद भारत की तरफ से अगर कोई अटैक हो सकते हैं तो उसके ऊपर हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा? इसी तरह जिस तरह आज एंगेज किए गए वैसे ही एंगेज किया जाएगा, और साथ ही बताया नेशनल कमांड अथॉरिटी मिल रही है। तो आज नेशनल कमांड अथॉरिटी में यकीनी तौर पर हमारे जो न्यूक्लियर और मिजाइल असासाजात हैं उसके हवाले से उनकी जो प्रोफेशनल प्रिपेयर है उसका जायजा लिया जाएगा। आप समझ रहे हैं हमारे न्यूक्लियर एसेट्स और मिजाइल असासाजात भी अगर जंग मुस्तैद की गई तो इसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है मादरे वतन के दिफा के लिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मैंने जैसे आपको बताया कि आज का जो एक्शन था वो सेल्फ डिफेंस में था, और उसमें एक इनबिल्ट मैसेज ये था कि जिस तरीके से हमने टारगेट की सिलेक्शन की, उसको एंगेज किया, इंश्योर किया कि उसके ऊपर हम किसी किस्म का डैमेज, कोलेटरल डैमेज ना कर सकें, तो इससे भी हमने ये मैसेज दिया है कि हमारी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी होने के बावजूद वी लुक टूवर्ड्स पीस एंड द रूट टू पीस गोज थ्रू डायलॉग। जो दूसरा पार्ट है आपके क्वेश्चन का, आई हैव ऑलवेज सेड दैट वी मस्ट नॉट टॉक अबाउट दिस, दिस इज इनसेन टू टॉक अबाउट दिस, इट इज़ अ कैपेबिलिटी एंड अ वेपन ऑफ पॉलिटिकल चॉइस। ना ही हमारा ये लेवल है और ना ही ये ऐसा मौजू है कि जिसके ऊपर बात की जा सके। थैंक यू वेरी मच। सर, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बातें की थी कि जो जवाब तो देना है लेकिन हम वहाँ देंगे कि जिसके बाद हमारा जवाब भी हो जाए, और भारत के ऊपर जंग शुरू करने की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर रहे। और आज हमने देख लिया कि वाकई एक इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से जवाब दे दिया गया है। अब एक तो सवाल सर ये है कि जो JF-17 का इसमें अगर कोई किरदार है तो उससे वाले से बताइएगा, और दूसरा दोनों तरफ की जो एयर स्पेस हैं वो बंद होने की इतलात हैं, तो अब आगे जो इस वक्त की कशीदगी की सूरत हाल है, जो बात आगे बढ़ रही है उससे थोड़ा अगर बताना पसंद करें। जी, एयर स्पेस इस वक्त जो बंद है वो तो ड्यू टू द एनवायरनमेंट है। मैंने कहा कि पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स भी दिया है, एक्चुअली पर से इट इज़ नॉट अ रिटेलिएशन, इट इज़ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आवर कैपेबिलिटी, कैपेसिटी एंड विल स्टेइंग विद इन द डोमेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टेट विच हैज़ द पोटेंशियल। वी डू नॉट वॉन्ट टू एस्केलेट द सिचुएशन, इट इज़ अप टू इंडिया नाउ whether they go for the way which we have suggested and which is the requirement of this region, which is peace. Lekin ye to ek na puchne wali baat hai ki agar hamare pe aggression impose kiya jata hai to phir hum respond karenge, but that will be under compulsion. Last question, ओके, पाकिस्तान इज नॉट पुशिंग द एनवायरमेंट टूवर्ड्स वॉर। इफ दैट वॉज द केस वी कुड हैव इजिली एंगेज द टारगेट ऑन विच आर एयरफोर्स लॉक फर्स्ट, दैट वुड हैव रिजल्टेड इन टू ह्यूमन कैजुअलिटीज एंड द कोलेटरल डैमेज एज वेल। सो हैविंग डन दैट we engaged a nearby open space where there was no human life or no military post, meaning thereby that we deliberately avoided the escalation. It was just a open area where we have recorded, we'll show you. We just wanted to demonstrate that we could have easily taken the target, the original target. Original target was a their administrative setup, their military post, but we did not do that. And what was the second part? Okay, thank you very much, ladies and gentlemen. So, I mean, this is like,